विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों नमस्कार। मिक्टूरिशन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए मिक्टूरिशन जो है जिसे हम नॉर्मली यूरिनेशन कहते हैं या तो इसको हम वॉइडिंग भी कहते हैं। अब ये मिक्टूरिशन क्या है, वॉइडिंग, जैसे नॉर्मल जो हम जो सामान्य जो हमारी भाषा है उसमें हम कहते हैं कि भाई हमको मूत्र विसर्जन करना है, है ना, मूत्र विसर्जन करना है या तो मूत्र त्याग करना है या तो हम कहते हैं कि भाई हमको पेशाब करना है। तो ये सारे जो हैं ये नॉर्मल जो हमारी जो भाषा है उसमें हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बायोलॉजी में जो जो है ये जो प्रोसेस है इसको हम मिक्टूरिशन या तो वॉइडिंग या तो यूरिनेशन कहते हैं। तो क्या होता है इसमें मिक्टूरिशन में देखते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें हमको पता है कि जो किडनी है इसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन जो फॉर्म होता है उनको लेके किडनी में से जो बाहर निकल रही हैं तो ये जो है यूरेटर। तो यूरेटर जो है, यूरेटर आप देखेंगे यहाँ पे फिगर में, तो दोनों ही जो यूरेटर हैं ये यूरेटर यहाँ पे ओपन हो रही हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यूरेटर जो हैं वो यूरिनरी ब्लैडर जो हैं इनमें ओपन हो रही हैं। तो किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ वो यूरेटर के मार्फत वो कहाँ पे आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और थोड़े समय के लिए इसमें जो यूरिन है इसका स्टोरेज इसमें ब्लैडर में होता है, है ना। धीरे धीरे इसमें जो यूरिन है वो आता जाएगा और उसका स्टोरेज जो है वो यहाँ पे ब्लैडर में होता जाएगा। पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, देखिए एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, देखिए ये जो है यहाँ पे ये यूरेटर का, ये यूरेटर का क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ल्यूमेन, म्यूकोजा, मस्कुलरिस, एडवेंटिटिया ये बताया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, अब ये जो रेक्टेंगल जो बॉक्स है ये वाला पोर्शन, तो उसमें आप देखेंगे कि हमको दिखा रहे हैं जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है उसका ये हिस्टोलॉजी स्लाइड है, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल। और इसमें हम देख पा रहे हैं जो ल्यूमेन दिखा रहे हैं, फिर म्यूकोजा यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और आप देख रहे हैं जो यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है इसमें डेट्रसर मसल जो हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से है पूरा फिगर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड द एक्ट ऑफ यूरिनेशन, है ना, मूत्र विसर्जन की जो क्रिया है इसको बायोलॉजी में मिक्टूरिशन कहते हैं, है ना। और अब ये जो प्रोसेस है मिक्टूरिशन की, यूरिनेशन की, इसको हम समझने की शुरुआत जो इन्फंट्स हैं उनसे करते हैं। बच्चों में, बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, 6 महीने से भी जिनकी कम आयु है उनमें किस तरह से होता है ये यूरिनेशन, पहले उसकी बात करेंगे। एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं उनमें हम बात करेंगे कि किस तरह से होता है यूरिनेशन, ठीक है। और ये जो छोटे बच्चे हैं इनमें क्या होता है कि छोटे बच्चे जो हैं आप जानते ही हैं, उनमें यू हैव नॉट येट डेवलप वॉलंटरी ब्लैडर कंट्रोल। छोटे बच्चे जो हैं वो अपने ब्लैडर के ऊपर जो कंट्रोल है वो विकसित नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। तो इसी इसी की वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपने बेड पे, आपने देखा कि भाई जो छोटे बच्चे हैं अपने बेड में होते हैं तो क्या उनका जो उनके जो कपड़े हैं वो बिगाड़ लेते हैं, है ना, यूरिन से अपने, क्योंकि उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो क्या है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है उनसे और उनका कंट्रोल नहीं है यूरिनेशन पे इसकी वजह से। अच्छा, तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे जो हैं, हियर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रिलेटिवली सिंपल स्पाइनल मिक्टोरिशन। इसमें छोटे बच्चे जो हैं, इन्फेंट हैं, यंग चिल्ड्रन जो हैं, इनमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है मिक्टोरिशन का वो सिंपल स्पाइनल मिक्टोरिशन जो है उससे वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हम जो मिक्टोरिशन जो है इसमें जो रिफ्लैक्स है वो डिफेक्टेड इन स्टेप 1 to 4, जो अभी फिगर में हम देखेंगे। तो छोटे बच्चे में आप देखेंगे मिक्टोरिशन का जो रिफ्लेक्स है वो पॉइंट नंबर 1 to 4 में हम डिस्कस करेंगे फिगर में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो ब्लैडर जो है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर 200 ml और मोर, इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें जब यूरिन का जो अमाउंट है, मात्रा है, प्रमाण है, वो 200 ml से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लैडर है इसके वॉल में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर यानी जो खिंचाव है उसको पहचानने वाले रिसेप्टर जो हैं, रिसेप्टर वो कहाँ पे मौजूद हैं, ब्लैडर के वॉल में। तो जब कहने का मतलब सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि भाई जब ब्लैडर जो है जब 200 ml जितने यूरिन से वो भर जाता है तब क्या होता है, ब्लैडर के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्साइट होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इन वॉल्यूंटरी रिफ्लेक्स है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर है पहले एक बार देखिए आप। ठीक है, तो ये जो है इन वॉल्यूंटरी जो मिक्चुरिशन रिफ्लेक्स जो लिखा है तो ये हम इन्फंट में और यंग चिल्ड्रन में बात कर रहे हैं। ठीक है, एकदम छोटे बच्चे हैं या तो छोटे बच्चे उनमें हम ये बात कर रहे हैं इन वॉल्यूंटरी, जिनमें वो अपने कपड़े जो हैं वो बिगाड़ देते हैं यूरिन से, है ना, क्योंकि ब्लेडर पे उनका अभी कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ है इस वजह से। तो देखिए, तो स्ट्रेच रिसेप्टर डिटेक्ट फीलिंग ऑफ ब्लेडर। तो छोटे बच्चे में भी क्या होता है कि जब ब्लेडर जो है वो भर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं, ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये जो ब्लैडर जो है, ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बताए हैं ग्रीन कलर में, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर दिखाए हैं। ठीक है, तो ब्लैडर जब यूरिन से भर जाता है छोटे बच्चों में भी तो क्या होता है, ट्रांसमिट एफरेंट एफरेंट सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, देखिए ये पेल्विक नर्व नाम लिखा है, ठीक है, इसमें पेल्विक नर्व जो है इसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये देखिए सेंसरी फाइबर दिख रहा है आपको, नाम लिखा है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर के साथ में क्या जुड़ेगी, ये सेंसरी फाइबर जो है, पेल्विक नर्व के जो सेंसरी फाइबर है वो जुड़ेंगे। अच्छा, अब ये फाइबर जो हैं वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स कहाँ पे लेके जा रहे हैं सिग्नल, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा है वो क्या है, तो यहाँ पे नाम लिखा है सैक्रल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड S2, S3, S4। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, उनको पता चल जाता है कि भाई जो ब्लैडर जो है वो यूरिन से भरा हुआ है। तो अब क्या है, जो नर्व इम्पल्स है, ये देखिए नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन यहाँ पे जो तीर का निशान है उससे बताया है, तो सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में, ये देखिए ये जो है, ये मैं एक मिनट जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पे, और यहाँ से सिग्नल जो है वो कहाँ पे जा रहा है, तो वो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। कौन लेके जा रहा है, तो पेल्विक नर्व का जो सेंसरी फाइबर है, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है ना।
अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब सिग्नल रिटर्न टू ब्लैडर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट S2 एंड S3। ये देखिए S2 S3 है, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो देखिए आप। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि भाई आप देख पाएंगे कि जो इंटर न्यूरॉन जो हैं, ये वाला जैसे हम कह सकते हैं ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। चलिए, और फिर क्या हो रहा है कि अब जो है नर्व इम्पल्स जो हैं या तो सिग्नल जो हैं वो कैसे वापस आ रहे हैं, तो वाया पैरा सिंपेथेटिक फाइबर इन पेल्विक नर्व। तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाए हैं, ठीक है, ये पैरा सिंपेथेटिक फाइबर हैं ये वाले, ठीक है। ये रेड वाले जो हैं ये पैरा सिंपेथेटिक फाइबर हैं, और यहाँ पे आप देखिए ये आपको जो दिखाया है ये क्या है, पैरा सिंपेथेटिक गैंग्लियन इन ब्लैडर वॉल। ब्लैडर का जो वॉल है इसमें ये पैरा सिंपेथेटिक गैंग्लियन है। तो और तो ये जो न्यूरॉन है या तो ये जो फाइबर है इसको हम क्या कह सकते हैं, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन कह सकते हैं। और यहाँ पे ये गैंग्लियन के बाद में है तो ये क्या होगा, ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन हम कह सकते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है प्री और पोस्ट वो क्या है, तो वो मोटर फाइबर हुए, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो सिग्नल है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ये जो पोर्शन है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचा। क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचा कि भाई ब्लैडर जो है छोटे बच्चे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या पहुँची कि ब्लैडर जो है वो यूरिन से भर गया। तो छोटे बच्चे में क्या हो रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का ये जो S2 S3 वाला जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, यहीं से जो वापस जो नर्व सिग्नल है वो कहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो जो मोटर फाइबर है, ठीक है, उसमें अब ये आगे बढ़ते हैं। और मोटर फाइबर से ये होते हुए कहाँ पे जाते हैं, तो ये वापस कहाँ पे पहुँचेंगे, तो ये वापस आप देख रहे हैं ये वापस पहुँचते हैं यहाँ पे, है ना। तो ब्लैडर जो है वहीं पे ये पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है नंबर 3 पे, तो सिग्नल जो है, सिग्नल जब यहाँ पे पहुँचता है तो क्या हो रहा है, नंबर 3 पे क्या लिखा है, ईपरन सिग्नल एक्साइट डेट्रसर मसल, ठीक है। जो ईपरन सिग्नल है स्पाइनल कॉर्ड में से जो सिग्नल यहाँ पे आया ब्लैडर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर के वॉल में जो डेट्रोसर जो मसल है वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। चलिए, अब फिर दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो जो डेट्रोसर मसल है वहाँ पे तो वो तो एक्साइट हुए, ठीक है। इसके अलावा ईपरन सिग्नल जो है, ये सिग्नल को आप देखिए, एक सिग्नल यहाँ पे गया और दूसरा जो सिग्नल है वो कहाँ पे, तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, छोटे बच्चे में। तो ईपरन सिग्नल रिलैक्स इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर, ठीक है। ये वाला जो स्पिंचर है यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो स्पिंचर है वो कौन सा है, इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर। तो क्या हो रहा है, अब ये ईपरन सिग्नल जो है उसकी वजह से जो इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर जो है वो रिलैक्स होता है। यूरिन इज इनवॉलंटरी वॉइडेड इफ़ नॉट इनहिबिटेड बाई दी ब्रेन। और छोटे बच्चे में क्या होता है कि ब्रेन जो है वो अगर इनहिबिशन नहीं करता है तो फिर क्या है, इनवॉलंटरी यूरिन इज़ वॉइडेड, यानी और यानी बच्चों में ऑटोमेटिकली ही ये जो पेशाब है वो हो जाता है, ठीक है। तो इनका कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें क्या है कि खाली स्पाइनल कॉर्ड जो है वही इन्वॉल्व है, वो आपने देखा है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई सिंपली हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई बच्चों में क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन से भरा, इसके बाद वॉल में क्या है, स्ट्रेस रिसेप्टर हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर से ये पेल्विक नर्व के जो सेंसरी फाइबर हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्स पहुंचा देंगे, फिर इंटर न्यूरॉन जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर मोटर फाइबर जो है वो मोटर फाइबर कहाँ पर पहुँचते हैं, तो जो वॉल है ब्लैडर का वहाँ पे पहुँचते हैं। वॉल में कौन सा मसल है, डेट्रोसर मसल है, ठीक है। अच्छा, फिर जो ईफ्रंट सिग्नल है और कहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो ईफ्रंट सिग्नल जो है यहाँ पे जो है इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो अब ये सिग्नल क्या कर रहे हैं, ईफ्रंट सिग्नल जो है वो क्या कर रहे हैं, तो रिलैक्स इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर,
और अब क्या ये स्पिंचर जो है रिलैक्स है, तो यूरिन इज इनवॉल्ंटरीली वॉइडेड इफ़ नॉट इनिबिटेड बाय दी ब्रेन। तो बच्चों में ब्रेन जो है वो इनिबिट नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यूरिनेशन जो है वो हो जाएगा, बच्चे यूरिनेट कर लेंगे ठीक है अपने आप ही। तो ये जो है ये 1 to 4 पॉइंट जो है इन्फंट में, छोटे बच्चों में इनवॉल्ंटरी माइक्टूरिशन रिफ्लैक्स है ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्ंटरी कंट्रोल की। तो देखिए वॉल्ंटरी कंट्रोल ठीक है, ये जो पुख्त व्यक्ति है एडल्ट है उनमें हम बात कर रहे हैं, ये पुख्त व्यक्तियों में। तो पुख्त व्यक्तियों में भी यूरिनरी ब्लैडर जो है 200 ml जितना भर जाता है तब यूरिन से, तो अब क्या होता है कि देखिए फॉर वॉल्ंटरी कंट्रोल मिक्टूरिशन सेंटर इन पॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर ठीक है। तो पॉन्स में क्या है ये देखिए आप, यहाँ पे पॉन्स बस दिखाया है हमको, और क्या हो रहा है कि देखिए कि जो सिग्नल है ये स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ठीक है, यहाँ से जो सिग्नल है वो कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये देखिए आप नंबर 5 में। तो नंबर 5 में क्या है, तो पॉन्स जो हैं, पॉन्स के अंदर क्या होता है मिक्टूरिशन जो है इसका सेंटर होता है ठीक है। और ये जो सेंटर है रिसीव सिग्नल फ्रॉम स्ट्रेच रिसेप्टर, पॉन्स के अंदर मिक्टूरिशन जो सेंटर है वो क्या करता है स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल पाता है ठीक है। चलिए अब देखिए 6 नंबर पे, इफ इट इज टाइमली टू यूरिनेट, अगर अगर आप सही स्थिति में हैं ठीक है, इफ इट इज टाइमली टू यूरिनेट पॉन्स रिटर्न सिग्नल टू स्पाइनल इंटर न्यूरॉन्स ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये बीच वाला जो है, तो 6 नंबर पे क्या हो रहा है, पॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉन्स जो हैं वो सिग्नल कहाँ पे भेज रहे हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे जो इस पोर्शन में जो इंटर न्यूरोन है वहाँ पे इम्पल्स जो हैं वो आ रहे हैं पॉन्स में से ठीक है। तो अभी क्या है कि भाई अब अभी जो है अभी आप यूरिनेट अगर कर पा रहे हैं, आपके आसपास ही कहीं पे भी जो टॉयलेट है वो अगर मौजूद है ठीक है, और आपको ऐसा कोई काम में अगर आप रुके नहीं हैं ठीक है, कोई चीज़ आपको रोक नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, आप टॉयलेट जो है वो यूज़ कर लेंगे, वो कहने का मतलब है यहाँ पे। तो इफ़ इफ़ इट इज़ टाइमली टू यूरिनेट पॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं आप ये जो एरो है वो बताएं, पॉन्स जो है रिटर्न कर रहे हैं सिग्नल को कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे क्या होता है इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा अब ये दैट एक्साइट डैटर मसल, और यहाँ से अब जो है यहाँ से अब आगे जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ पे जाएंगे, तो ये देखिए ठीक है वॉल में कौन से मसल हैं, यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में डेटोसर मसल जो हैं वो अब वो एक्साइट होंगे एंड रिलैक्स इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर। और ये क्या है, यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर जो है इसको रिलैक्स हो रहा है, ये इंटरनल यूरेथरल स्पिंचर जो है वो रिलैक्स होता है ठीक है, और आप जो है यूरिनेट कर पाते हैं ठीक है। तो ये जब आप यूरिनेट कर रहे हैं वॉलंटरीली तब की बात है ठीक है। अच्छा अब ये जो बात है, अब ये जो है इफ इफ इट इज़ अनटाइमली टू यूरिनेट ठीक है, तो मान लीजिए कि इसमें क्या है कि आप जो है मान लीजिए कि आप आपके क्लासरूम में हैं ठीक है, फिजिक्स का मान लीजिए लेक्चर चल रहा है और आप आपके क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप जो है आपके सर को नहीं कह पा रहे कि सर आई वांट टू यूरिनेट है ना, शर्म आपको आ रही है तो आप नहीं कह पा रहे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आप जो है आप किसी यात्रा में हैं, जर्नी में हैं है ना, बस में बैठे हैं मान लीजिए, और ब्लैडर जो है ब्लैडर पूरी तरह से ये यूरिन से भर चुका है, और आपको यूरिनेट करने का अर्ज भी है, लेकिन जब आप ड्राइवर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आई वांट टू यूरिनेट, तो क्या हो रहा है कि ड्राइवर आपको रिप्लाई देता है कि भाई अभी बस जो है वो चल रही है,
और मैं रास्ते पे बस को रोक नहीं सकता। तो ड्राइवर जो है वो आप जानते ही हैं कि वो जब बस चलाते हैं तो एक तो क्या होता है कि वो अपने मूड में रहते हैं, और उनका क्या है कि वो जो ड्राइवर कलेक्शन जो होता है ना सॉन्ग का, एक एंटिक कलेक्शन होता है उनका, वो ऐसे ऐसे गाने बजाते हैं हमको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से लेके आया है ये गाना। तो वो अपनी धुन में ही बस चलाता है और वो सुनता नहीं है किसी की। तो फिर इस टाइम पे आप क्या करोगे? तो इस टाइम पे क्या होगा कि इस टाइम पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जो यूरिनेशन है उसको। तो ये आप कंट्रोल कैसे करेंगे इसकी हम बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि भाई इफ़ इट इज़ अनटाइमली तो क्या होता है, तो 7 नंबर पे देखिए, 7 नंबर पे क्या है ना, सेरेब्रल, फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है? तो अगर सही टाइम नहीं है यूरिनेट करने का, सिग्नल्स फ्रॉम सेरेब्रम एक्साइट स्पाइरल इंटरन्यूरॉन। तो यहाँ पे आप देखिए जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से ये यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, ठीक है? तो सिग्नल नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ से कहाँ आए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कहाँ पे आते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरन्यूरॉन है वहाँ पे पहुँचेंगे। और फिर अब ये नर्व इम्पल्स क्या करेंगे आगे, कीप एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर कॉन्ट्रैक्टेड। ये देखिए आप, ये पूरा जो फिगर है वो देखिए, यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो इंटरन्यूरॉन में आए, ठीक है? और फिर इंटरन्यूरॉन से क्या है यहाँ पे, ये जो है सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, नर्व इम्पल्स कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए नाम लिखा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। यहाँ पे भी एक स्पिंचर है, ये वाला स्पिंचर एक्सटर्नल। तो जब आप यूरिनेट करने की स्थिति में नहीं है तब क्या, तब हम हमारे यूरिन को रोके रखते हैं। कैसे रोके रखेंगे? तो ये जो है हम क्या करते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो स्पिंचर है इसको हम वॉल्यूंटरीली हम इसका कंट्रैक्शन करे रहते हैं, ठीक है? एंड यूरिन इज़ रिटेन इन दी ब्लैडर। और यूरिन जो है वो अब क्या, क्योंकि ये जो है हमने वॉल्यूंटरीली ये जो स्पिंचर है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर इसको कंस्ट्रिक्ट करके रखा है, ये बंद करके रखा है, तो आगे जो यूरेथ्रा है उसमें यूरिन पास ऑन नहीं होगा और यूरिन ब्लैडर में ही रहेगा, ठीक है? चलिए अब क्या, अब जब हो सकता है कि भाई आपके फिजिक्स के टीचर का जो क्लास था वो ख़त्म हो गया है, तो फिर आप जाके टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर जो ड्राइवर है, तो क्या जो बस का जो जर्नी है ना, बस का डेपो आ गया मान लीजिए, ठीक है? तो फिर बस रुकी है, और बस जब रुकेगी तो हम क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है जो पहला पहला काम हम करेंगे, आसपास में कहीं पे सुलभ शौचालय होगा, पे एंड यूज़ होगा, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो बात है कि इफ़ इट इज़ टाइमली टू यूरिनेट, सिग्नल सिग्नल्स फ्रॉम सेरेब्रम इनहिबिट सैक्रल न्यूरॉन, ठीक है? यूरिनेट करने का अगर सही टाइम है तो क्या होता है कि जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम में से जो सिग्नल है वो क्या करते हैं, जो सैक्रल न्यूरॉन है इनको इनहिबिट करते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन दैट कीप एक्सटर्नल स्पिंचर क्लोज। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई इफ़ इट इज़ टाइमली टू यूरिनेट सिग्नल फ्रॉम सेरेब्रम इनहिबिट सैक्रल न्यूरॉन, और ये सैक्रल न्यूरॉन क्या करते हैं, तो सैक्रल न्यूरॉन जो है दैट कीप एक्सटर्नल स्पिंचर क्लोज्ड, ठीक है? अब क्योंकि अब क्या हुआ, अब तो सही टाइम है यूरिनेट करने का, तो ये जो है ये तो इनहिबिट हो गए, ठीक है? तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर जो है अब क्या हो रहा है, अब ये रिलैक्स हो रहा है, ठीक है? क्योंकि सैक्रल न्यूरॉन जो हैं इनका इनहिबिशन हो गया, ठीक है? और ये सैक्रल जो न्यूरॉन हैं वही क्या कर रहे थे, ये एक्सटर्नल स्पिंचर को बंद करके रखा था इन्होंने, लेकिन अब सही टाइम आ गया है। तो क्या होता है कि भाई जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर जो है अब वो रिलैक्स कर रहा है और हम जो हैं वो अब यूरिनेट कर पाएंगे, है ना, हमारी इच्छा से वॉल्यूंटरीली। तो ये जो था पूरा जो है टॉपिक यही है, पूरा डिस्कशन में पूरा जो फिगर है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
ये छोटे बच्चों में जो होता है वो इनवॉलंटरी मिक्टूरिशन रिफ्लेक्स, और ये वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, पूरी जो फिगर है मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। दूसरे भी फिगर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप। इसमें से भी अगर आपको ये फिगर भी देख लीजिए पूरा, ठीक है, देख चुके हैं हम वैसे। ये भी देख लीजिए, ये फिगर में भी अगर यहाँ से भी आप करना चाहें तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से ही आपको मिक्टूरिशन समझाया है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ दी यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुरुष में और स्त्रियों में ये किस तरह से ब्लैडर और यूरेथ्रा है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है वो तो देख सकते हैं स्त्री और पुरुष में। लेफ्ट साइड में है वो पुरुषों में आपको दिखाया है मेल में, ठीक है, और राइट साइड पे फीमेल में महिलाओं में ये हमको दिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। ये भी कॉन्सेप्ट मैप है, अगर आप चाहें तो इससे भी थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये फिगर। ठीक है, देखिए कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल यूरेथ्रास। ये देखिए, ठीक है, ये ब्लैडर का वॉल, और इसमें देखिए, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जो मसल का नाम लिखा है डिटोसर मसल। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप मेल फीमेल में यूरेथ्रा पूरा, ठीक है, इस तरह से। ये फिगर भी देख सकते हैं मिक्टूरिशन। तो इसी के साथ में ये जो लेक्चर है मिक्टूरिशन का, अब ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कुष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।